हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह में नाश्ता वगैरह बन चुका है, लेकिन अभी लंच बन रहा है। अभी सब लोग जाएंगे तो लंच वगैरह अपना लेके जाएंगे बाहर। तो तैयारी तो मैंने जल्दी नहीं कर रही, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि लेट हो गया थोड़ा मुझे बनाने में, और डॉली बिगर खाए चली गई तो उसका भी बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे। लेकिन अभी मैंने बनाया है शिमला मिर्च की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, बच्चे खा के ना जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये रेसिपी मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है, इसलिए रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ बना रही हूँ वही दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक ही रेसिपी बार बार दिखाए तो आप लोग बोर हो जाएंगे ना। आज के दिन में मुझसे दो दो गलतियाँ हुई। सुबह में डॉली अपना लंच नहीं लेके जा सकी, और आयुष्मान के लिए मैं शाम को मंजूरियन नहीं ला सकी जो मैं भूल गई। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ में, बाहर जाती हूँ कुछ लाने के लिए लेकिन ध्यान से निकल जाता है, ऐसे घर पे आ जाती हूँ। तो आयुष्मान मेरे ऊपर बहुत भड़क गया था आज। अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं सब डाल देती हूँ। स्पेशली बारिश और सर्दियों में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, और इसमें आलू भी भर के बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे तो शेंगदाने भर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं यही बनाती हूँ हमेशा। ये रेसिपी मैंने आप लोगों को दिखाई है कई बार, मेरा फेवरेट है। ऐसा इसको पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से पकता रहे, इसको स्टीम भाप देना रहता है। लेकिन अगर आपके पास ओवन ना हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इंग्लिश बोलने में बहुत गड़बड़ करती हूँ, आता नहीं है, पर बोलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसे पलट दिया है और ये भी डाल देंगे साथ में, ताकि ये भी साथ में पकता रहे। ये जल्दी पक जाएगा इसलिए इसको बाद में डाला है, क्योंकि ये खाली खाली है और जो भरा हुआ रहता है थोड़ा टाइम लगता है। का नाटक है तेरा, हमेशा का नाटक है। दवाई खा लेना है, दवाई रखी है, ठीक है। क्या खाएगी बाहर? अभी कुछ खाई नहीं सुबह से, कुछ खा लेना। तरह से पक चुका है, बस इसको अभी ये मसाला जो बचा हुआ है ये इसमें डाल देंगे। इसलिए इसको फोड़ के भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। और डॉली है ना, फटाफट भाग गई। मैंने उसके लिए जलेबी बनाया कि वो खा लेगी, पर जलेबी चली गई, खाई नहीं। जब मैं आलू वाला बनाती हूँ तो भी नहीं खाती है, बोलती है नहीं मुझे ऐसा वाला बना के दो, और आज मैंने इतने दिनों बाद ऐसा वाला बनाया तो ये भी खा के नहीं गई। ये बच्चे समझते हैं क्यों नहीं है कि एक माँ के दिल पे क्या बीतती है जब उसका बच्चा उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाता है। और जिसके लिए मैं बदनाम हूँ कि वो मेरी फेवरेट बच्ची है, तो सचमुच वो मेरी फेवरेट बच्ची है। अभी गैस बंद कर देंगे, नहीं खा के गई इसलिए बहुत तकलीफ़ हो रहा है मुझे। थोड़ा सा जो ये कढ़ाई गर्म है उसकी वजह से ये पक जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, एज ए चटनी, एज ए सब्जी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसको, दो तीन दिन तक खा सकते हैं। मेरा फेवरेट है, ये लोग का पता नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, ठीक नहीं हूँ, फिर ठीक बोलना पड़ रहा है क्योंकि गले में ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भरा हुआ है, पूरा गला एकदम जाम हो चुका है मेरा। और अभी मैंने खाना बना तो लिया है, लेकिन मेरे बच्चे बिगर खाए चले गए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और बच्चे जब बिगर खाए चले जाते हैं तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, वो तो एक माँ ही समझ सकती है ना। अब जब तक वो कुछ खा नहीं लेगी ना बाहर, तब तक मेरे दिल में ऐसा लगता रहेगा कि खाई नहीं, खाई नहीं। और जैसे कि घर में सब लोग मुझे बदनाम करके रखे कि वो मेरी फेवरेट बच्ची है, तो सचमुच में है, मैं उससे ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। और फेवरेट बच्चा आपका ना खा के जाए, बहुत तकलीफ होती है। तो अभी मैंने सारा काम कर लिया है। आज आयुष्मान को स्कूल नहीं छोड़ी थी क्योंकि आयुष्मान की तबीयत ख़राब है, तो सुबह उठी तो थी पर वो बोलने लगा नहीं मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, सो जा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। कल मम्मी के घर पे घूम के आई हूँ, तो मैं गई थी ऑटो में, यहाँ से मैं ऑटो में गई फाउंटेन तक, फिर फाउंटेन से फिर हम लोग पापा रीता सब लोग आए थे ओला में, तो ओला में बैठ के गए। लेकिन फाउंटेन तक इतनी बारिश हुई है ना, बारिश तो कल बहुत हुई है, लेकिन ऑटो में तो मैं पूरी तरह से भीग गई क्योंकि ऑटो में पानी टपक भी रहा था और आजू बाजू से पानी आ भी रहा था। पर मुझे तो ऑटो में ही घूमना अच्छा लगता है, आप लोगों को जैसे कि पता ही है। फाउंटेन से हम लोग कार में गए, लेकिन फिर भी घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत ख़राब हो गई, वहां पर जाके मुझे बहुत सारी उल्टी हुई। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया है मैंने, जब से गांव से आई तब से थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा है, बनाने के लिए मन कर रहा है।
तो आप लोगों के लिए ऐसे ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए और मेरे ब्लॉग्स को पूरा देखा कीजिए, मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। वैसे भी बनाती ही रहती हूँ, मुझे डीमोटिवेट तो हो जाती हूँ बार बार जब भी देखती हूँ व्यूज़ नहीं जा रहे हैं या सब्सक्राइबर घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, तो तकलीफ़ होती है, पर फिर खड़ी होती हूँ क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि शायद कभी कुछ हो जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में, देखते क्या क्या होता है। आज सुबह की शुरुआत तो हो गई है, अच्छी नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, आस जब तक सांस है तब तक आस है। अभी खाना खाने जा रही हूँ मैं, आयुष्मान टीवी का आवाज़ कम करूँ ना, मैं वो भी कट कर लिया है जो एक आयुष्मान ने ले लिया है और टीवी चालू करके रखा इतना फुल वॉल्यूम में। खाना खाने तो जा रही हूँ लेकिन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, चार बज चुके हैं, चार अब जाके खाने को हो रहा है क्योंकि बहुत ज़ोरदार भूख लग गई है, तो खाने का मैं ऐसा लग रहा है कि खा लेती हूँ। मैं तो बच्चे लोग नहीं खाते तो कुछ अच्छा नहीं लगता, मम्मी को भूख नहीं लगता है, जो माँ होगी उसको पता होगा, बच्चे अगर नहीं खाए रहे तो माँ को भूख नहीं लगती है, पर तबीयत भी इतनी ख़राब है तो अभी खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद दवा खाना पड़ेगा। चार बज चुके हैं, तो अभी अजय का कॉल आया था हम लोगों को, मुझे रेस्टोरेंट के नीचे बुला रहे थे कि हमारी तबीयत ख़राब है, वैसे देखने से तो लग नहीं रहा होगा, देखने से लग रहा होगा कि तू टिप टॉप घूम रही है, पर तब आवाज़ से तो मालूम पड़ रहा होगा ना, तबीयत बहुत ख़राब है हमारी, मेरी भी और आयुष्मान की भी। तभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी क्योंकि दवा रखा हुआ है, मैं तो दूसरा कोई दवा ले नहीं सकती, डॉक्टर ने मुझे जो दवा दिया है चार पाँच साल पहले, नहीं 10 साल पहले, वही दवा मैं यूज़ करती हूँ, मुझे सर्दी के लिए वही दवा लगती है, दूसरी कुछ ले लेती हूँ तो और हालत ख़राब हो जाती है। पर आयुष्मान को दिखाना पड़ेगा थोड़ा कि अब आयुष्मान का जो दवा है वो लेके आ जाऊँगी, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है, बहुत इमरजेंसी होता तो ही जाती हूँ। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, पर छतरी लेके जाना पड़ेगा, नीचे बादल भी छाए हुए हैं, नीचे नहीं छाया बादल, आसमान में छाया ऊपर, मैं ऐसे बोल रही हूँ, नीचे छाया हुआ है, काला काला बादल है ना पूरा घना घना, तो और हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए भी मैं जा रही हूँ। चलो आयुष्मान पापा बुलाए, चलो चलो, नहीं तो चिल्लाएंगे। तो यहाँ खड़ी हो जाए तो हम गए, अभी मार्केट से आ चुकी हूँ, सामान भी ले लिया है, बाल भी खुल गया है, रबर लूज था ना खुल गया, बाल कट गए, अच्छा लगता है, मुझे लंबे ज़्यादा लंबे बाल अच्छे नहीं लगते, कौन इतना सेवा करेगा, बाल झाड़ने में भी इतना तकलीफ होता है, बांधने में भी तकलीफ होता है, इसलिए फटफट कट करवा लेती हूँ। नहीं देख के एक महीना हुआ, मैं गाँव, अच्छा गाँव गई थी ना मैं, सामान लेके आ चुकी हूँ, तो अभी आ गई हूँ मैं घर पे और मेरे फेवरेट गाने लगे, अच्छी बच्ची है, आप ही को नोटिस नहीं होता है पर मेरे को मालूम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड नाइट।